हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज नंबर नेम 3 से मैं लॉर्ड कृष्णा की पेंटिंग बताऊंगी कैसे बनाई जाती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर नेम ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें शीट चाहिए, फिर स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैक मार्कर, ब्लैक स्केच पेन। ओके, अब हम नंबर 3 से ड्राइंग शुरू करेंगे। नंबर 3 से हम कृष्ण भगवान की तस्वीर बनाएंगे। ओके, और बनाने से पहले सबसे पहले हमें पूरे पेपर के सेंटर में एक लाइन खींचनी, बिल्कुल लाइट, एकदम लाइट लाइन खींचनी है। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। अब हमें स्टार्ट करेंगे 3 से। ये 3 बना दिया हमने, फिर इसके अपोजिट में 3 बनाएंगे। इसके बाद हमें 2-3 स्मॉल बनाएंगे। ये मिर्ची के ऊपर हमें एक सी बना दें। अब इसको यहाँ मिला दें। इसके बाद क्या करना है हमें, ये प्लस बनाना है। उसके बाद हमें ऐसे थी भी जैसे हमने वो लाइन खींची थी, ऐसे यहाँ लाइन खींचेंगे हल्की सी, बिल्कुल हल्के हाथ से। फिर यहाँ हम आई बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से ऐसे थ्री बनाते हुए देखिए हमारा
कृष्ण भगवान मंदिर। अब इसमें स्केच पेन करते हैं, इसका मार्क ऐसा हम मार्क करते रहे। अंदर का जितना भी आए नोट आएगी हम स्केच पेन से करते हैं। अब इसको फोटोफ्रेम कर देंगे। ये देखिए पूरा हमने ब्लैक कर दिया। अब हमें रेजर से जितनी भी पेंसिल की लाइन है उसको रब कर देना है। अगर आप इसको कलर करना चाहो तो कर सकते हैं स्केच पेन से, क्रेयॉन से। स्केच पेन सूखने पे ही आपको ये करना है रेजर से। ये देखिए हमारी कंप्लीट हुआ। तो ये देखिए हमने कलर किए, ऐसे कलर आप कर सकते हैं। ब्रश पेन आता है स्केच पेन की, उससे कर सकते हैं, स्केच पेन से कर सकते हैं। बाकी जो इसके अंदर करना है वो हम चौक, अभी हमने जो पेंटिंग बताई है चौक की, चौक को पेपर के ऊपर ऐसे खींचने के बाद इसमें ऐसे ऐसे शेप कर सकते हैं। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो ऐसे कलर हो जाएगा हमारा। ओके, ये देखिए थैंक यू।